बेहद ही अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तमाम उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो कि स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में अब जो है वो ओपन जिम खुलेगी। आपको बता दें कि ये बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में जल्द ही ओपन जिम जो है वो खोलने की तैयारी की जा रही है। जहाँ पर वो कौन से जिला रहेंगे, यानी कि किन जिलों में जो है वो कितने स्कूलों में ये सरकारी स्कूलों में जो है वो जिम खोली जाएगी, उसके रिलेटेड भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जिस तरीके से बच्चों की बात करें तो जिन बच्चों का, यानी कि बच्चों को खाली समय होता है, वेकेंट पीरियड होता है और उस समय वो खेल कूद करते हैं, तो अब वो जो है वो जिम में जाकर जो है वो अपने आप को जो है वो फिट भी रख सकेंगे। तो आपको बता दें कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो है वो ओपन जिम की सुविधा भी मिलने जा रही है। और ये लगभग 188 स्कूल जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हर जिला में 9 स्कूल रहेंगे जहां पर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो है वो जिम खोली जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि क्या इस जिम का, सवाल ये होता है कि क्या इस जिम का फायदा जो है क्या स्थानीय निवासी भी उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, इसके रिलेटेड भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि 188 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें हर जिला में 9 स्कूलों को जो है यानी सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें जो लागत, यानी कि 52 लाख रुपए की राशि जो है वो खर्च की जाएगी और काम जो है वो अप्रैल माह से शुरू होगा। काम पूरा होने का लक्ष्य जो है वो दिसंबर 2025 बताया जा रहा है, जहां पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है वो 188 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से 52 लाख रुपए जो है, यानी कि 52 लाख रुपए की राशि जो है वो इसमें खर्च की जाएगी। व्यायाम करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को राशि आवंटित कर दी गई है और काम के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। जिम स्कूलों में, यानी कि जिस तरीके से बच्चों का पीरियड जो है वेकेंट होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो खेलकूद करते हुए नजर आते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आते हैं, तो अब बच्चे जो है वहाँ पर जिम में जा सकते हैं, सरकारी स्कूलों में जब जिम खुलेगी तो वहाँ पर वो जा सकते हैं, अपनी यानी कि फिटनेस का जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम स्थानीय निवासियों की बात करें तो वो भी इसका फायदा जो है वो उठा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में जब ये जिम खुलेगी, यानी कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में जब ये जिम खुलेगी, तो जो स्थानीय, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इस जिम का फायदा उठा सकेंगे। लेकिन वक्त क्या कुछ रहेगा, मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि आसपास के निवासियों के लिए ओपन जिम का उपयोग समय, इसका उपयोग स्कूल खुलने से पहले, यानी कि 1 घंटा पहले होगा और स्कूल बंद होने के बाद 1 घंटा बाद जो है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि स्कूल खुलने से पहले 1 घंटा जो है, यानी कि 1 घंटा पहले आप जो स्थानीय निवासी हैं वो इस जिम का फायदा उठा सकते हैं। वो अपने यानी कि जिम करने के लिए वहां पर जा सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वहां पर जा सकते हैं। और स्कूल बंद होने के बाद 1 घंटा के बाद, यानी कि 1 आवर के बाद जो है, स्थानीय लोग जिम वहां पर जा सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। अभी ये क्यों उठाया जा रहा है कदम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बच्चे जो है वो खेलकूद करते हुए नजर आते हैं, दूसरे कामों में यानी कि विलीप होते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, बच्चों को फिट रखा जाए, तो उसके लिए ये सरकारी स्कूलों में जो है वो जिम खोलने की तैयारी की जा रही है। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहां पर साफ तौर पर नजर आता है कि इस प्रकार से वहां पर जिम खोली गई है और बच्चे जो है वो उसका बेनिफिट भी लेते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि गर्ल्स स्कूल में केवल महिला निवासियों द्वारा ही प्रवेश किया जाएगा, यानी कि जो गर्ल्स स्कूल रहेगा, जब जिम ओपन की जाएगी स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में, तो वहां पे केवल और केवल जो स्थानीय निवासी होंगे, महिला ही गर्ल्स स्कूल में प्रवेश कर सकेंगी जिम का बेनिफिट उठाने के लिए, यानी कि पुरुष वहां पर नहीं जा सकेंगे। और ये लगभग 188 स्कूल जो है वो चिन्हित किए गए हैं। और हाँ, जिस तरीके से आपको बता दें कि 188 स्कूल जो है वो चिन्हित किए गए हैं और हर जिला में जो है वो 9 स्कूलों में, यानी कि सरकारी स्कूलों में जो है वो जिम बनाई जाएगी, जहां पर इसकी लागत की अगर मैं बात करूं तो 56 लाख रुपए की राशि जो है, 52 लाख रुपए की राशि जो है वो खर्च की गई है। और जिस तरीके से बेहद ही
फायदा होने वाला है उन बच्चों को, जो बच्चे ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में भी जिम होती तो हम भी इसका बेनिफिट जो है वो उठा पाते, अपनी बॉडी को फिट रख पाते, तंदुरुस्त रख पाते, तो उन बच्चों के लिए भी बेहद अच्छा है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर घूमते हुए नजर आते हैं, वीकेंड पीरियड में घूमते हुए नजर आते हैं, तो वो जिम जा सकते हैं, अपनी बॉडी को जो है वो पूरी तरीके से फिट रख सकते हैं। और हर जिला में 9 स्कूलों में जो है वो सुविधा मिलने जा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर रखिएगा और ये जरूर बताएगा कि आपको इसको लेकर क्या कुछ राय है। फिलहाल आने वाले समय में सरकारी यानी कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो है वो जिम की सुविधा भी देखने को मिलेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।